मान लो एफ ऑफ एक्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, स्पेशली मेडिकल वालों के लिए। जैसे मैं ये बोलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज एम जी एच, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी बड़ी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं लिखता हूं यू इज इक्वल टू एम जी एच तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं यू इज अ फंक्शन ऑफ एच इज एम जी एच तो भी ठीक है। क्यों? तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, यू इज अ फंक्शन ऑफ एच का मतलब जो भी यू का फॉर्मूला बनेगा वो एच के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो जो भी यू का फॉर्मूला होगा वो एच पे डिपेंडेंट, तो मतलब ब्रैकेट में एच को बोला जाता है इज अ फंक्शन ऑफ एच। ये मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, ये नॉन मेडिकल वालों को फंक्शन रिलेशंस करवाए जाते हैं, उनको पता होता है कैसे होता है। तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब आप मत लिखो ब्रैकेट में एक्स तो भी चलेगा, पर नॉर्मली टर्म्स बोलती हैं कि इसमें लिखना चाहिए, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एच ऐसे लिखना है। तो वो कह रहा है कि मान लो एफ कोई फोर्स है, आप मत लिखो एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एफ के ब्रैकेट में एक्स का मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। दैट डज डब्ल्यू वर्क ऑन द पार्टिकल, तो इसने फोर्स ने डब्ल्यू वर्क डन किया पार्टिकल के ऊपर। तो डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन, प्लीज, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताती है, डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये माइनस साइन के साथ चलता है, जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती थी कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें माइनस साइन नहीं आता था, पोटेंशियल में माइनस साइन आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि अगर आप एक वर्क डन करते हो किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकने का, तो पोटेंशियल बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक कम होती जा रही है, एक में पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव पक्का आएगा। आप खुद सोचो, अगर एक का चेंज पॉजिटिव है तो दूसरे का चेंज नेगेटिव है, क्योंकि अगर मान लो टोटल एनर्जी को कॉन्स्टेंट रखना है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक पक्का कम हो रही है, और नीचे आते हुए अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम हो रही है, तो इसलिए साइन नेगेटिव पक्का आता है, राइट? हमेशा आएगा, ठीक। डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब कि पक्का ये टेस्टेड है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये वर्क डन कौन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स करेगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस डब्ल्यू। लेकिन वर्क डन कैसे निकलता है? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे सपोज करो मैं यहां से यहां आ रहा हूं और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है और फोर्स एफ है, तो पहले स्मॉल वर्क डन निकलता है कितना? एफ इन टू डीएक्स। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है? इंटीग्रेशन। तो ये रूल है, जस्ट एक फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन से टोटल वर्क डन निकलते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, F इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब f इज नॉट कॉन्स्टेंट, f डिपेंड्स अपॉन x, f इज अ वेरिएबल। और लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकलता है? बाय इंटीग्रेशन। तो आप अकेला f लिख लो तो भी चलेगा, f dx की इंटीग्रेशन, या f इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब इट कैन बी अ वेरिएबल फोर्स। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। इस वर्क डन के फॉर्मूले को आप यहां पुट कर दो, तो डेल्टा u क्या बनेगा? डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, एक्स नहीं लिखो तो भी चलेगा, फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। आपने ये डेफिनेशन है, प्लीज, ये आने वाले टाइम में टेस्ट हो जाएगी अपने आप, और मैं आपको बता भी दूंगा ये कैसे ट्रू है। तो इसको एक तो इसको टिक मार्क करो और एक इसको टिक मार्क करो, बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस बॉक्स में बना ही दिया। वैसे तो मैंने जो आपको चाहिए होगा वो मैंने बना दिया आपको, तो ये दो फॉर्मूलाज मुझे चाहिए होंगे, राइट? आगे
डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया क्या, माइनस एफ डी एक्स एक्स आई से एक्स एफ। अब इस इधर ध्यान से देख लो, ये स्टेप्स भी आपको चाहिए नहीं होंगे, आपको ये फॉर्मूला चाहिए, पर ये कैसे बनता है इसको ध्यान से देख लो। आप दोनों साइड्स को ना डिफ्रेंशिएट कर दो, ध्यान से दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर क्या आएगा डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आएगा डी बाई डी एक्स। आप कहोगे ये क्या डी बाई डी एक्स की क्या है, इसका थोड़ी ना होगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो बन गया डी यू बाई डी एक्स, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मत लिखो एक्स कोई बात नहीं, तो ये तो डी यू बाई डी एक्स बन गया। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, पर इसकी तो इंटीग्रेशन भी हो रही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो अगर आप एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हो और फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हो तो आंसर तो वही आ जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा एफ ऑफ एक्स विद माइनस एंड दैट्स इट, बाकी उड़ा दो, बस ये बच गया। क्लियर यहां तक? तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेशन का अफेक्ट सारा कैंसल होगा। ये मैथ्स में कैलकुलस वाले टीचर्स करवाएंगे, मैथ्स के टीचर, तो वैसे बता रहा हूं मैं कि जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आपको ये कोई किसी ने कुछ नहीं पूछना, ये फॉर्मूला नोट करो कि जो फोर्स एफ है, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स लिख लो या एफ लिख लो एक ही बात है, ये किसके इक्वल होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स। लेकिन याद रहे ये डेफिनेशन वैलिड कब थी, जब फोर्स क्या थी कंजर्वेटिव। कुछ नहीं याद करना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर पक्का न्यूमेरिकल आएगा कॉम्पिटिशन में और स्कूल में भी आ सकता है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए कि कंजर्वेटिव फोर्स है एफ, कोई भी ग्रेविटी की फोर्स है कुछ भी एफ, और यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है, आपने बोलना है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू बोल दे, डेरिवेटिव का मतलब कि हमने डिफ्रेंसिएशन किया है किसकी, यू की। मैथ्स में सिखाया जाता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम नहीं एक्स, तो इसको ग्रेडियंट बोला जाता है। ग्रेडियंट का मतलब किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो ग्रेडियंट हो जाता है, ग्रेडियंट का मतलब। तो पोटेंशियल एनर्जी यू मे बी डिफाइंड एज ए फंक्शन, यू एक ऐसी चीज है हूज नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द कंजर्वेटिव फोर्स, या उल्टा बोल लो कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी का मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ यू। तो ये डेफिनेशन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन ये आनी चाहिए और कैसे बनी ये आपको अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, बस ये देख लो, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? तो जो थ्योरी करवाई सारी वो टेक्निकली आपको अगर लिखनी नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं है, पर आपको टर्म समझ में आनी चाहिए, कल को वो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे तो एटलीस्ट हमें समझ में आए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक, हमें ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बोली जा रहा है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और माइनस एफ डी एक्स डेल्टा यू, समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा, राइट। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन इसके ज्यादा ईजी है, मजे की बात यह है थ्योरी मुश्किल है, न्यूमेरिकल ईजी है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको बहुत इजी लगेंगे। और बिलीव में सिर्फ कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है, यू आपको गिवन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कहेगा फोर्स निकाल लो, यू को पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिफरेंशिएट करो, फोर्स आ गई। न्यूमेरिकल बहुत इजी है इसका, बोलो। वो ये बता रहा है फोर्स का और एनर्जी का रिलेशन है, अभी आएगा दिखा रहा हूं, ये देख अब समझ में आएगा, अब समझ में, इस फॉर्मूले को यूज करके दिखाता हूं। देखो ये फॉर्मूला हमने कर लिया, इसको यूज कैसे करना है इसको ध्यान से देखना। प्रूव एनालिटिकली, मैथमेटिकली प्रूव करो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपने अभी तो किया वो ब्लॉक को, केस नंबर 1, 2, 3 आप स्कूल में आएगा वही करके आना, लेकिन इसने पूछा कि वो फॉर्मूला यूज कैसे करना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट एच पर क्या होती है, एमजीएच। तो यानी कि एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एच लिखा जा सकता है एमजीएच, यू आ गया। तो अगर मैं इसका नेगेटिव ग्रेडियंट लूं, एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स, पर यहां एक्स नहीं है, यहां पर एच है, तो डी बाई डी एच। तो जब मैंने यू को पुट किया एमजीएच, एम और जी कॉन्स्टेंट है, डी एच बाई डी एच क्या है वन, तो ये फोर्स किसकी आ गई, ग्रेविटी की, चेक करो, और ग्रेविटी की फोर्स इज
कंजर्वेटिव, ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस बाहर आ गई। तो देखो ये रिजल्ट आप इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट में जब आप एनर्जी पुट करते हो तो फोर्स की वैल्यू किसके साथ मैच करती है, कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एनर्जी का और फोर्स का इन केस ऑफ व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस। वैसे ये फॉर्मूला ये नहीं है, वैसे ये कहां से बन के आया है, यहां से आया है। एक्चुअल में तो ये डेफिनेशन है, पर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके वो फॉर्मूला हमने तैयार किया है। ठीक, एक्चुअल में ये चीज चल रही है पर हम यूज उसको किसी और तरीके से करते हैं। ठीक, बाकी अभी कुछ दिनों में जब यूज न्यूमेरिकल का जब करवाऊंगा ना अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो, न्यूमेरिकल में सब क्लियर।